गुरु नानक देव महाराज का 553वां प्रकाश गुरु पर्व गुरु सिंह सभा इंदौर आस्था व उल्लास से प्रारंभ हुआ। इस दौरान नगर की सभी गुरु नानक नाम लेवा संगतों द्वारा रविवार से प्रभात फेरी निकालने की शुरुआत की गई। अगले 12 दिन तक लगातार शहर में प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व की खुशी में रविवार से गुरुद्वारों से प्रभात फेरियां निकलना प्रारंभ हो गई। प्रभात फेरियां अमृतवेला 4:30 बजे से अपने अपने क्षेत्र मोहल्लों कॉलोनियों के गुरुद्वारा साहिब से गुरु नानक नाम लेवा श्रद्धालुओं के घर घर पहुंचती है, जहां परिवार द्वारा साध संघ का स्वागत सबसे आगे चल रहे निशान साहिब पर पुष्प माला पहना कर किया जाता है। गुरु नानक का जो पर्व मनाया जा रहा है वो 553 सालाना मनाया जा रहा है, और उसको मुख रखते हुए हमने 7 तारीख से जो प्रभात फेरी होती है सुबह की, वो 7 तारीख से आरंभ हो चुकी है, और वो चलते हुए उसी दौरान 14 तारीख को, जो कि एतवार वाले दिन, नगर कीर्तन की भी तैयारी की है। समूह इंदौर की संगत निवासियों ने मिलके गुरु साहब कृपा करेंगे, और यहाँ 17 तारीख को पूरे इंदौर के जितने भी गुरुद्वारे हैं, जो भी गुरु नानक देव महाराज जी को मानते हैं, वो गुरुद्वारा इंदौर साहब में यहाँ पे आएंगे। उनका इंदौर की गुरुद्वारा इमली साहब की समूह संगत एंड मेम्बरान सारे ही उनका स्वागत करेंगे, जी आया को बोलेंगे, और इसको रखते हुए ही हमारा जो और आगे का प्रोग्राम है 17, 18, 19 दो हाजरियाँ जो बड़े दिल्ली से एंड पंजाब से जो जत्थे आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम भी गुरुद्वारा इमली साहब में 2 हाजरियाँ यहाँ पर वो लगाएँगे, और 2 हाजरियाँ गुरुद्वारा खालसा बाग जो राजमहल में स्थित है वहाँ पे खालसा कॉलेज वहाँ पे वो लगाया जाएगा। ये जो है गुरु की असीस कृपा है, गुरु नानक की कृपा है। गुरु साहब का जो उद्देश्य है कि उपदेश चौ वर्णा को सांझा, ये गुरु नानक देव महाराज जी का जो उपदेश है, गुरबाणी का उपदेश है, वो समूची लुकाई के लिए है, किसी एक वर्ण के लिए नहीं है। गुरु साहब कलयुग के अवतार हुए हैं, तो कलयुग को तारने के लिए और समूची लुकाई को तारने के लिए धन गुरु नानक देव महाराज जी का आगमन हुआ है, और उस आगमन को हम धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के चरणों में अरदास करके, महाराज कृपा करो समूची लुकाई पे अपनी मेहर भरिया हाथ, बख्शिश भरिया हाथ गुरु साहब रखे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की बाणी का गायन भी संगत द्वारा श्रद्धा के साथ करते दिखाई दिए। प्रभात में जागकर गुरु महाराज के प्रकाश गुरुपूरब की खुशी उत्साह से संगत प्रभात फेरी में रोजाना सम्मिलित हो रही है।